नमस्कार दोस्तों, नवीन शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा पहली का प्रवेश कार्य प्रारंभ हो गया है एमपी शिक्षा पोर्टल पर। तो कैसे प्रवेश होता है, क्या क्या बदलाव आए हैं, तो आज हम देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पर एमपी शिक्षा पोर्टल टाइप करके इसको आगे सर्च कर देंगे और पहले ही जैसे शिक्षा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे का पेज ओपन होगा। इसको अच्छा से देखने के लिए हम ये तीन बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्यूटर जैसे स्क्रीन आ जाएगी। तो राइट कॉर्नर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम, यहाँ पे आपका यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड और ये जो कैप्चा है यहाँ पे डाल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे इस साइट पे। तो चलो, तो आप देख सकते हैं कि हम इस साइट पे लॉगिन हो गए हैं। फिर राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे मेन मेनू, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हमको इस ऑप्शन में से एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का पेज ओपन होगा। इस तरीके से वो दिखाई देगा पेज। यहाँ पर हम देखेंगे कि होम, एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट और प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। ये नवीन छात्रों के लिए है जो कक्षा पहली में दर्ज हो रहे हैं। साथ ही साथ जब भी कार्य हमारा 6th क्लास का या 9th क्लास का या फिर 11th क्लास का होगा तो हमको इसको क्लिक करके हम उनमें प्रवेश दे सकते हैं। और जिनको प्रमोट करना है वो सेकंड वाले ऑप्शन से हम उनको बच्चों को प्रमोट अगली क्लास में कर सकते हैं। पर हम अभी न्यू एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो फॉर्मेट बी पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का पेज आता है। यहाँ से हम एकेडमिक ईयर चूज कर लेंगे, यहाँ पे बच्चे की समग्र आईडी लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कैप्चा, फिर उसके बाद में सो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास आएगा तो इसको क्या करेंगे, हम सो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, कैटेगरी, यहाँ पे बच्चे का नाम और उसके जाति और जरूर देख लें। साथ ही साथ जैसे ही हम सो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे जेंडर भी चेक करना अति आवश्यक है, अगर कुछ भी गलती होती है तो उसकी समग्र। यहाँ पे बच्चे की डिटेल फिल करके कैप्चा डाल के ऐड स्कूल पे हम क्लिक करेंगे तो बच्चा हमारे यहाँ मैप हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे ही अगले बच्चे की प्रोसेस करेंगे। धन्यवाद।